तीन बछड़ों को जन्म दिया है। हाँ जी, दो बच्चिया जी एक बछड़ा। अच्छा, हाँ जी, दो बच्चिया है और एक बच्चा है। हाँ जी, कब हुए थे ये? ये जी सवेरे चार तारीख ना सवेरे। एक बार दिखाओ के, देखो खाट के ऊपर बिठा रखे। अच्छा, ये भी पूछना चाहूंगा कि आपने खाट के ऊपर इनको क्यों बिठा रखा? खाट के ऊपर ये नहीं बिठा रखा जी, हमने ना अपने बड़का इला दर्जा दिया। हाँ, हमने यही माना, पांच गुडिया मेरे पे पहले थी, हर एक लड़का था, पांच गुडिया थी, उन पर लड़का हो गया था। इब हमने ये माना एक लड़का हो गया, दो गुडिया और होगी। हाँ, नौ बच्चे हो गए, इनका नाम भी रखे हैं हम, और छठी भी करवाएंगे इनकी। डेली का दूध जी 60-70 किलो हो रहा है अपने। तो आप डायरी पे देते हो? नहीं, यहीं से सेल हो जाता जी हमारा तो सारा। हाँ, नौकल में फौजी हैं, मास्टर हैं अपने गांव गुआंडा के, यहीं से ले जाते। जस्सी मीडिया ग्रुप देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, आज पहुँचे हैं हम हाट गांव में, हाट बागड़ू। ये सफेदों हल्के का गांव है और आपने देखा होगा कि आज के दिन बुज़ुर्गों की और गांव की कदर घट गई है। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बातें, आप सभी जानते हो कि आप रोडों के ऊपर देखोगे कि गायें कभी एक्सीडेंट में आ जाती हैं और मतलब बहुत बुरा हाल है आज गाय का। क्यों आज लावारिस गायें घूम रही हैं? तो हाट गांव में एक ऐसा चमत्कार हुआ है, आपने भी शायद पहली बार सुनने को और देखने को मिलेगा। आप हमेशा से देखते होंगे कि जुड़वा बच्चे महिलाओं को भी हो जाते हैं, जुड़वा बच्चे कई बार गायों को भी हो जाते हैं, भैंसों को भी। जुड़वा आपने सुना होगा, लेकिन ट्रिपल तीन बच्चे गाय को, आपने शायद ये न्यूज़ पहली बार सुनने को आपको मिलेगी। और वो दिखाएंगे हम जिस किसान के घर में ये गाय ने तीन बच्चों को जन्म दिया है, तीन बछड़ों को जन्म दिया है, वो किसान बिल्कुल खुशहाल है और खुश है वो कि गौ माता ने मेरे घर पे तीन जो है बछड़ों को जन्म दिया है। तो तमाम बातें करेंगे हम उनसे। बहुत ही विचित्र बात है, पहली बार सुनने को मिल रहा है आज कि गाय ने तीन बछड़ों को जन्म दिया। जुड़वा तो आपने काफ़ी बार देखा होगा, सुना भी होगा, जुड़वा देखते हैं। लेकिन जो आज हम हाट गाँव में पहुँचे, यहाँ पर तीन बछड़ों ने जो है, तीन बच्चे हैं, वो हम पूछेंगे कि ये बछड़ी है या बच्चा है, कैसे है, वो हम बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम तकदीर है जी। तकदीर है? हाँ जी। तकदीर जी, हमने भी पहली बार सुना है, कुछ वीडियो भी हमने देखी थी कि पहली बार जो है एक देसी गाय ने तीन बछड़ों को जन्म दिया है। हाँ जी, दो बछिया जी एक बछड़ा। अच्छा, हाँ जी, दो बछिया है और एक बच्चा है। हाँ जी, कब हुए थे ये? ये जी सवेरे चार तारीख ना सवेरे 6 बजे हुए थे। 4 तारीख को सुबह 6 बजे? 6 बजे। मतलब आपको पता लगा उस टाइम जब ये तो कहते ना देसी भाषा में कि ब्यान लग रही थी जिस टाइम? हाँ, ब्यान लग रही थी, जब ये नहीं पता था कहाँ भाई तीन बच्चे देवेगी। जैसे मैं इंडिया आई ने, अरे ये ज्यादा परेशान, मैंने देखी ना चेक करके, जैसे डॉक्टर करके देखता है, तो शुरू में चार पाँव तो आए थे, फिर मैं दो पाँव अंदर तक आ दिए, फिर इसका सिर आ गया बछड़ा। उस टाइम पे दिमाग में कुछ क्या आया ना कुछ? नहीं, देखो ऐसा होता है, दो ही पैर आते हुए। हाँ, जब उसकी डिलीवरी चार आए, मैंने ये सोचा माँ भाई बच्चा घूम गया होगा, अड़की गाय है भाई, दिक्कत होगी उग में, तो बैठा उठी ज्यादा करी थी, इस करके मैंने चेक करी थी। तो करते फिर जब ही सिर आ गया इसको अपना, ऐसे फिर दोबारा मटिंडी आई, मगर ये चाला पार्टी गया पहली मटिंडी वाली, उसके बाद फिर अपना मटिंडी आते, फिर अपना पाएंगे इसके। अच्छा, हाँ, फिर बछड़ी, हाँ दूसरी बछिया, फिर अपना उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर हम यहाँ और भी भाई आ रहे थे साथी, जैसे दूध दाध जाता रहे फौजी फाजी, वहाँ आते रहे 10 मिनट बैठ जाओ का पानी पीवा, तो वो बैठे बोला भाई ये तो दो दे दिए, माँ जी ठीक हो गया, दो दे दिए तो कोई भाई। उनमें देख भाई ने बोला भाई मेरी गाँव का बछड़ा मर रहा, मन दे दिए एक बछड़ा, माँ तू ले जी भाई ये काम रख लें, एक तू ले जी। इतनी आन में फिर अपना मटिंडी आएगी, फिर अपना हो गया, फिर वो बोला भाई एक बछड़ा मेरे को दे, मैं बोला जी भी नहीं देंगे, तो इनको ये हमारे बच्चे हो गए, मगर ये इनको हम अपना पूरा दूध इसको छोड़ेंगे और अपना सेवा करेंगे अपनी। हाँ जी, तो इनको खाना पीना आप किस प्रकार से दे रहे हो? खाना पीना तो जी ये बाल देंगे, दूध ही पे रहे हैं, इसकी माँ को अपने जैसे आप बना घर पीरवानी को जच्चा को देते ने, ऐसे आलुआ उलुआ भाई खाना पका गए इसको, जैसे रांध रूंद गए, ऐसे नहीं खा भाई आम डांगर तो गिरते हो गए राम जी। अच्छा, स्वास्थ्य की इनकी बात करा, जैसे कई बार कई हो जावा ना भाई, एक ठीक है एक बीमार हो जाए, इस प्रकार का कुछ स्वस्थ है तीनों? हाँ, तीन ही स्वस्थ है जी जमा। अरे ये देखो ना, ये भी तो चमत्कार है, मैं साथी लिखूंगा, एक बार दिखाओ के, देखो खाट के ऊपर बिठा रखे। अच्छा, ये भी पूछना चाहूंगा कि आपने खाट के ऊपर इनको क्यों बिठा रखा? खाट के ऊपर ये नहीं बिठा रखे जी, हमने ना अपने बड़का दर्जा दिया है इनते।
इन हाँ हमने यही माना पांच गुड़िया मेरे पे पहले थी हर एक लड़का था पांच गुड़िया थी उन पर लड़का हो गया था ईब हमने ये माना एक लड़का हो गया दो गुड़िया और होगी। अच्छा हाँ जी मतलब आपके दो लड़के और हाँ पांच और दो सात लड़कियां हाँ जी मतलब आपने नौ हाँ नौ बच्चे हो गए और इनका नाम भी रखेंगे हम और छठी भी करवाएंगे इनकी जी। अच्छा इनका नाम भी रखोगे? नाम भी रखेंगे तीनों का। कुछ अभी तक दिमाग में कुछ नाम आया? चल रहा है मशवरा करके कैसे कहने लग रहे हैं और तो नाम आया हो वैसे भैया। हाँ भाई मैं तो बोल रहा था एक का कृष्ण जी धर दो और इनका अपना एक का लक्ष्मी धर दो एक का बतेरी जैसे इन कहते ना बतेरे हो गए बच्चे देसी भाषा में बतेरी ना धर दो तो फिर गाय का भी कुछ नाम ऐसा रखना हाँ, चाहिए। गाय का भी रखेंगे। प्रेम देख सकते हो भाई गाय के साथ आप किसान का जो देसी गाय है कितना प्रेम है। और कहते हैं कि गाय का दूध है जो वो निरोगा होता है। गाय का दूध पीने से बीमारियां नहीं होती लेकिन आजकल आप डायरी का इसका थैली का दूध पीते हैं आप उसके अंदर क्रीम वगैरह निकाल के आपको पता ही वो सफेद पानी ही होता है। और बीमारियों का जो घर है आज के दिन आप देख सकते हैं किसी का भी आप चेकअप करा करके देख लेना कि इतनी बीमारियां मिलेंगी। जब तक नहीं कराओगे आपको लगेगा मैं स्वस्थ हूँ लेकिन जब आप चेकअप करा लेते हैं इतनी बीमारियां निकल के आ जाती हैं पता ही नहीं लगता ये कहाँ से हो गई है। सबसे बड़ी बात कहें हम खाने पीने का बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर वो है कि जैसा आप खाएंगे वैसा ही आपका शरीर रहेगा वैसी ही बुद्धि रहेगी। पुराने ज़माने की हम बात करें गाय का दूध पीते थे देसी खाना खाते थे देसी सब्जियां अपने खेत में उगा करके खाते थे लेकिन वो सभी आजकल फार्मी हो गई हैं। और लेकिन आज इस किसान के घर में देखो और मैं एक बार कहूँगा डायरी भी दिखाना चाहेंगे हम कि ये डायरी है इतनी गायें इन्होंने जो है अपने घर पे डायरी बना रखी है इतनी गायों की जो सेवा करते हैं घर पे। देसी गायें कितनी है आपके पास? देसी गायें जी 8-10 गायें हैं अपने पास। 8-10 गायें हैं और फार्मी? फार्मी नहीं है जी सारी जैसे साहीवाल होगी क्रॉस की होगी उसी अमरीकन गायें कोई नहीं अपने पास। अमरीकन नहीं है देसी और वो हाँ कितना दूध मतलब आपका डेली का यहाँ? डेली का दूध जी 60-70 किलो हो रहा है अपना दूध। कहाँ आप डायरी पे देते हो या गांव में? नहीं है इसे सेल हो जाता है जी हमारा तो सारा। हाँ नौकल में फौजी है मास्टर हैं अपने गांव गुआंडा के यहीं ले जाते हैं। मतलब वो एक नाम हो जाता है भाई फलाना किसान है उसके घर पे जो गाय है गाय को दूध को बहुत ही मतलब अच्छा माना गया है। हाँ जी भाई बच्चों को भी पिलाते हैं बुद्धि ज्यादा मतलब अच्छी विकसित होगी क्यों हम होता है पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं वो। और ये और चमत्कार जैसे अमरीकन गाय का दूध होता है ना जी उसका होता है नमक टाइप में और इसका आनंद बच्चा था ना कितना है बड़ा बच्चा हो चाहे छोटा हो कोई मीठा करने की जरूरत नहीं क्या की भी जरूरत नहीं। आम आदमी भी आओ ना उसको पी कर देखा इनका टेस्ट देखेगा और उसका टेस्ट देखेगा तो उसमें न्यू पता लगेगा हाँ भाई के रिजल्ट है। और तो कई करी से में इसे भी हो हमारे सामने अगर जो उन्हें इनकी सेवा करी है हमारे तले जा के भी अपना सेल का भी काम है तो उनका अचंभा होया है। एक तो यही बागड़ू के अंदर मुनीम था बनिया के पास तो उसका दिमाग में दिक्कत हो गई थी डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था पंडित जी महाराज था उसने वो बोले भाई मैंने एक गऊ दे दी देसी उस तमने गऊ दी है कि 25,000 रुपया अपने तो लेगा था वो के करता अपने पूरी सेवा मारे रहा बोले भाई तू कैसे कर मगा जी मंदा ऐसे ऐसे उसका अपना जैसे आम बैठ रहे थे बोले भाई कैसे कर माँ जी मैं तो इनमें दिन रात ला गया ना सोऊँ जब भी अपने इनका ये काम करता करता सो जाऊँ उठूँ जब भी इनका ये अपना भाई के है मगा जी मोज है मेरे तो वो अपना वो ही मेरी अपने निकल कर का अपने जुट पर भी उसकी आँख उड़ गिर जाती ना भाई चाटी होंगी गांह दौड़ जाता ऐसे सेवा करने लग जाता वो आदमी दोबारा नौकरी करने लग रहा है जी और एक गाय के बजाय दो गऊ रख रहा अपने जिंदगी बनेगी उसकी दोबारा से। दर्शकों बता दे आपको हमेशा देखते हो आप गाड़ी में जाते हो बाइक पे जाते हो कितनी बार एक्सीडेंट में आपको गाय मिलती हैं रोड के ऊपर लेकिन ये किसान है जो पूरे घर में एक बार दूसरी साइड भी दिखाना उस साइड भी गाय बांध रखी है देसी गाय है और अंदर भी डायरी है यहाँ भी गाय बांध रखी है और सेवा कर रहे हैं। और अगर हम इनकम की बात करें इनसे दूध की घर का खर्चा भी इनसे चल जाता है सब कुछ इनसे चल रहा है जी सेवा भी हो जाती है और बिजनेस भी बिजनेस घर का खर्चा भी चल जाता है। तो जो रोड के ऊपर देखो जो गाय वैसे तो कह रहे हैं भाई जो देश का प्रधानमंत्री है वो कहते हैं कि इस देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे लेकिन जो गाय माता है ये अगर हिंदू की हम बात करें तो उसको माँ मानता है मानता और वो फिर रोड के ऊपर देखो इस प्रकार से एक्सीडेंट में और बात करें हम देखो उसकी गौशाला की गौशाला में कितनी सुरक्षित है गाय? कुछ भी सुरक्षित नहीं है जी जो आपने पहले नहीं कहते थे अंग्रेज हैं और अंग्रेजा की जेल होती है तो वो है जी वहाँ तो बल्कि इस तरह तो ये खुली आंड्री है ना उसमें तो दाएं बाएं भूखी मरते अपना खा जा वो तो जेल है बाउंड्री भीतर की
ठीक है, बहुत से समाज सेवी जो चंदा बहुत दे देते हैं और किसान है जो वो चारा भी देते हैं और जो तूड़ी है वो भी दे देते हैं, लेकिन उन तक दे तो देते हैं जी, क्या करें उनको बेचारे को और कहाँ डाले हुए उनको, उनका तो काम होता अपने कान दबडिया कर रहे हैं। फिर जो ये प्रधान होते हैं ना जी, ये नहीं कुछ भी करते अपने, ठीक है, ये तो अपना बढ़िया इन राजनीति चाहिए, बढ़िया गाड़ी चाहिए, ये किसी कोई भी प्रधान की या सोचनी है। अगर मैं खुद गाया मैं अपनी बड़े कहीं की सेवा करूँ, सेवा मतलब लो भाई अपना खुद शरीर दाओ बल लगाओ, कहाँ अपना हाथ तक मेहनत करो। लोग तो अपना कहते भाई नौकर है, नौकरान की जरूरत है, नौकर तो तनख्वाह दे रहा है, तू अपना खुद अपनी भावना से काम करना तू इसके अंदर। और जिसने कराया जी मारे इतिहास हम 4 साल से इनका हुआ था जुड़े हुए, हाँ उसके पो 12-25 हो गए हैं जी। उससे हाँ, पहले आप क्या करा करते है? पहले भैंस का काम करा करते जी, डेरी थी अपनी, मुनाफा नहीं हुआ, नहीं उसमें मुनाफा नहीं हुआ, उसमें बहुत सारा नुकसान हो गया था, हाँ 70-80 लाख रुपया का नुकसान हो गया था, गांव छूट गया था, बुरा बादी हो गई थी। इब उसके बाद ये 4 साल से काम करा, वो कर्जा भी उतर गया, सब क्या है सुरक्षित है, बच्चे आते हैं मौज है सब क्या है जी। दर्शकों बताएंगे कि सबसे पहले दिमाग भी सेट होना जरूरी होता है कि भाई देखो जो एक आस्था होती है ना गाय के प्रति, इसने वो आस्था अपने अंदर इसके दिल में हुई और इतनी गाय बांधी है, इसका आज कारोबार भी इनसे चल रहा है और सेवा भी जो हो रही है, तो और क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा जी, मतलब करके देखो एक बार, जो करेगा ना उसको कोई जिस दिन से ये पैदा हुए आप ऐसी सेवा कर रहे हो? हाँ इसको ही कर रहे हैं जी, हमारे बच्चे भी अंदर इसको हम ना बाहर सुते माशरा में की भी नाम ब्रंडम नहीं हो करते, अपना भीतर भी अपना खाट पे सुहावांगे। अच्छा खाट पे फिर हाँ टॉयलेट वगैरह? हाँ टॉयलेट कर देंगे तो कोई बात नहीं, अपना दूसरा फिर लत्ता लगा दें क्या बात, अपने बच्चे नहीं करते, हमने नहीं करी, हमारा मन दी नादानगी है। तो जब ऐसा कुछ सब कुछ करेंगे तो इनके गिल्ला जी का मानेंगे ऐसे थोड़ा ही होगा, इतना ही माड़े होशियार हो जाएंगे, इनको ऐसा भी होंगे भाई थोड़ा कोल्ड वोल्ड भी हम अपना जहाँ जैसे बच्चा के उस तरह फिर दें, बच्चा तो आप सो जाया करेंगे, बच्चे भी साथ में खेलते रहते हैं, साथ में सब दिन खेले, ये देखो नहीं हुआ मैंने देख इसको प्यारा प्रेम दिखाओ, देखो बच्चों का साथ में ये देख किसान के साथ किस प्रकार से इतना प्रेम है और बैठे हाँ रहते हैं साथ में। देसी गऊ तो जी वैसे खेड़ मारने लग जावे जैसे ही बाप आ रहे हो ना, और भी कई देसी गऊ है ना सीधी जावेगी बाबू कन्या, ये देखो इसका शांत भाव आपने देखो नहीं, कोई दिक्कत नहीं अपने अपने रहो ठाठते क्या लगा अपनी ये ऐसा चमत्कार हुआ है, ये चमत्कार ही होया है जी जो यह सेवा करी है ना, ये कुछ नु कहते नहीं हाँ भाई फोन का जमाना रहा 4G भी, इस फोन बापना तो हम अपनी गुप्त सेवा तो हम करे रहे थे, हमने न्यू भी नहीं दी, मारी सोचा कहाँ बा हमने यूट्यूब पर मसूरी करनी है, कोई जरूरत है तो हमने मसूरी क्या करनी है, जब हम अपनी सेवा कर रहे हमने जो चाह रहे हैं वो भगवान महाराज को देने लग रहा अपने, ठीक है। अरे तो यू और अपना फोन पर और अपना ये हो गया कहाँ भाई सेवा का मौका ये है जी। देखो प्रचार भी होना जरूरी है कि हाँ पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि 3-3 बच्चे एक साथ हाँ गए जो दिए हैं, और दर्शकों कहते हैं कि चमत्कार को ही नमस्कार है। हाँ जी, हाँ जी। इस देश के अंदर पाखंड बहुत ज्यादा है और पाखंड को आपको पता भी होगा, 2 दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी कि जमीन में शिवलिंग दबा हाँ दिया और कह दिया कि धरती फट गई और शिवलिंग निकल गया। हाँ जी, हाँ लेकिन वो चमत्कार नहीं है, चमत्कार किसी छठी भी मनाई जाएगी, उसकी कोई डेट वगैरह अभी इसकी जी एतवार की डेट रखी है, जैसे यू अपने गुगा पीर का यही थान हाड़ है हाँ तो इसकी उस उसका भी वो जगह रहे तुअर का ये अपना इनकी छठी बने, अपने किसी रिश्तेदार को किसी हाँ सभी को बुलाएंगे जी अपने छठी वाला दिन पूरा प्रोग्राम न्यू करेंगे, हाँ भाई जो करते हैं अपना बच्चा हो जाए वो गणे दिन में करके हाँ, हाँ जी। तो दर्शकों भाई देख सकते हो भाई किसान की आस्था कितनी जुड़ी हुई है, वो तो पहले से जुड़ी हुई थी, लेकिन ये 3 जो बच्चे गाने दिए हैं इसके बाद बहुत ज़्यादा इनकी भावना और ज़्यादा जुड़ गई है, और कहते हैं कि अपने बच्चों की तरह जैसे हम छठी का जो प्रोग्राम करते हैं वो प्रोग्राम भी किया जाएगा, पूरे रिश्तेदारों को भी बुलाया जाएगा, और आप लोग दर्शक जितने देख रहे हो आप भी शामिल होना भाई, और अगर मौका मिला तो हम भी ज़रूर पहुँचेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।